हेलो फ्रेंड्स, घर संसार चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए, आज हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। आज मैं इसको नए तरीके से बना रही हूँ। मैंने इसको कद्दूकस नहीं किया है, मैंने इसको छील करके मोटे मोटे पीस कर करके इसको मैंने कुकर में देसी घी डाल करके इसको भूना है। उसके बाद इसको मैंने भूनने के बाद इसको मैंने अच्छे से कलछुल से फोड़ लिया है। जब एकदम हलवे की तरह बन गया है तब मैंने इसको फ्राई करने के लिए रखा है। ये देखिए, मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ नए तरीके से। ये देखिए, मेरा गाजर का हलवा लगभग तैयार हो चुका है। मैंने इसको कुकर में बनाने के बाद इसको कढ़ाई में देसी घी डाल करके इसको तड़का लगाया है। ये अच्छे से भुन गया है। इसमें मैंने थोड़े मेवे कद्दूकस करके डाल दिए हैं। अब मैं ऊपर से सर्व करने के लिए मैंने मेवे रख रखे हैं, ये देखिए। और मैंने खोए की मिठाई दिया है, ये खोए की मिठाई है। कुछ खोए की मिठाई मैंने इसमें डाल दिया है और कुछ खोए की मिठाई, ये देखिए, मैंने ऊपर से सर्व करने के लिए रखा है। ये देखिए, मेरा गाजर का हलवा लगभग कम्प्लीट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको गार्निश करने जा रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़े से कद्दूकस करे हुए नारियल डाले हैं और थोड़े काजू और बादाम को महीन महीन काट लिया है और उसको मैंने डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा खोए की मिठाई या फिर खोया डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप खोए की मिठाई डालिए या फिर खोया डालिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख के बताइए मेरा गाजर का हलवा आपको देखने में कैसा लग रहा है। बाय फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।